And today we are honored to have Mr. Vinod Sharma, eminent artist who is joining us on the show. And ye generally shows pe nahi aate, and with a lot of requests, we are honored that he's accepted our request to come on to the show. And a lot of people in Art Fraternity are feeling happy about his appearance today on the show. So feel free to ask the question. He needs no introduction because he's got an experience of 50 plus years in art, and he has done a lot of contemporary art with respect to landscapes, and some of his arts are so mesmerizing that you have to really check whether it's a print or it is a real painting. So thanks a lot for joining us, sir. We have a lot of questions, and in between, audience, if you have any questions, feel free to ask us. हम ये लाइव क्वेश्चंस सर से पूछेंगे अलॉन्ग विथ योर नेम, सो फील फ्री टू आस्क, एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम सीनियर आर्टिस्ट लाइक विनोद शर्मा जी एज टू यू नो व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म, एंड स्पेशली द कल्चर ऑफ इंडियन आर्ट. सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस सर, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी चाइल्डहुड जर्नी कैसे थी विथ योर पेरेंट्स, योर फैमिली, कैसे शुरू हुई ये आर्ट जर्नी? First of all, thank you very much for inviting me. And it is not that I don't want to come. मुझे थोड़ा बोलने में ऐसा लगता है कि यार, we are not very talkative. We actually work on paper or बात करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए ऐसा लगता है. बाकी I was born in an artist family. My father was artist, mother was artist. And they never wanted me to become an artist. It's the same old story with every artist. Like, I was a student of science, and since my father was in the education department, so he was so influenced that after the school, every teacher used to come and teach me chemistry, physics, everything. And by 8th or 9th, I understood that it is not my game. But still he said, nahi, not possible, hojega, hojega, karo, mehnat karo, koshish karo, baaki aayega. So somehow 9th ho gaya, 10th ho gaya, 11th mein, मैं फिर फेल हो गया जैसे होना चाहिए जैसे हो रहा था. उन्होंने बोला अब क्या करेंगे, बोलिए अब क्या करना है. तो फिर मुझे लगा कि अब तो आर्ट ज्वाइन करना चाहिए, तो हायर सेकेंडरी करने तो ज़रूरी है, बिना हायर सेकेंडरी के 11th क्लास के आप कहीं एडमिशन ले नहीं सकते. तो मैंने बोला मैं जो है आर्ट सब्जेक्ट लेकर दोबारा से पढ़ूंगा. फिर वही रिफ्ट शुरू हुआ कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, 3 साल का कोर्स आप 1 साल में कैसे करोगे, किस तरह मुश्किल है. तो मैंने कहा देखिए, अच्छा मुझे इस टाइम पे क्या था कि मुझे दोस्त बनाने का बहुत शौक था. बचपन से सब दोस्त बनते थे, तो मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया. उसमें प्राइवेट कॉलेज होते थे, स्कूल में एडमिशन होता था, फेलियर थे तो नहीं मिला दोबारा एडमिशन, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया. और वहाँ जाके वो जो टीचर थे वो अच्छे दोस्त बन गए. अच्छे दोस्त बन गए तो उन्हें लगा कि यार इसके साथ तो मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी ठीक है ऐसा लगता है. अच्छा दोस्त बन गया तो मैंने अच्छे दोस्त बन गए. तो फिर उन्होंने क्या, रोज मुझे पहले स्कूल में पढ़ाते थे, फिर हम लोग घर में मिलते थे, फिर शाम को हम लोग मिलते थे. तो दोस्ती दोस्ती में ऐसी बातें होने लगी कि वो कुछ जो चीज़ समझ आनी शुरू हो गई कि हाँ यार ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है. हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम हुए और मेरे 57% मार्क्स आए उस टाइम पे, जबकि हमारे घर में किसी की इतनी परसेंटेज नहीं आई थी. उन्होंने बोला आप क्या करेंगे आप, तो मैंने बोला देखते हैं. तो मैंने बोला अच्छा जाओ हिंदू कॉलेज ज्वाइन करते हैं. एक हिंदू कॉलेज होता था दिल्ली का सबसे मशहूर कॉलेज, जिसमें सारे इंटेलेक्चुअल और सारे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट या स्टूडियस स्टूडेंट जाते थे. फिर जाके वहाँ हमने बीए पास कोर्स में एडमिशन ले लिया. वहाँ क्या था कि सारे जितने दोस्त थे वो सब एक अलग क्लास से आते थे, उनका बात करने का तरीका अलग था, उनका सोचने का तरीका अलग था, और उन लोगों से दोस्ती हमारी होती नहीं थी. तो थोड़े दिन बाद पता लग गया कि ये भी मेरा गेम नहीं है. तो मैं फिर कॉलेज जाना बंद कर दिया, कॉलेज बंद करना शुरू कर दिया. मेरी मदर को पता लगा कि पूछा क्या है, बोला नहीं मुझे नहीं करना है. तो अब क्या करोगे, मैंने कहा आर्ट कॉलेज ज्वाइन करेंगे. ओके आदर बोला चलो कुछ तो करो, जो आप कर सकते हैं करो. फिर आर्ट कॉलेज के लिए गए, वहाँ एडमिशन हुआ, वहाँ पे उनका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, तो वो बोले यार बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया किया है. तो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल गया मुझे. इस तरह से आर्ट कॉलेज में शुरू हुई, फिर आहिस्ता 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 करते रहे. तो आपको कब मालूम पड़ा कि मुझे आर्टिस्ट बनना है एंड दिस इज माई लाइफ?
एक्चुअली क्या वो घर में तो माहौल था ना आर्ट का, मेरे फादर आर्टिस्ट थे, मदर आर्टिस्ट थी, उनके दोस्त आते थे, वो भी आर्ट की बात करते थे, फिर थिएटर की बात होती थी, फिल्म की बात होती थी, पोएट्री की बात होती थी, और मुझे फिजिक्स पढ़नी पड़ती थी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी, बड़ी बोरिंग लगता था, बहुत बोरिंग लगता था, तो मैं घर से भाग जाता था। हम लोग खेले चले जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, ये करते थे, घर में बैठते नहीं थे। फिर जब आते थे उनकी बातें सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था कि यार ये तो कुछ मतलब मेहनत करते ही नहीं है और अपने आप इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्रश्न बनने शुरू होते, तो मुझे लगा कि यार शायद मैं ये कर सकता हूँ, शायद ये हो सकता है। फिर मैंने आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया, तो फिर चलती रही जर्नी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब पर अभी तक ये लग रहा था कि है बहुत मुश्किल जर्नी, अभी इतना आसान नहीं है जितना आसान लग रहा था, क्योंकि आर्ट कॉलेज में जाके आपको बहुत डिसिप्लिन में काम करना पड़ता है। यहाँ तो हम कुछ भी बनाते हैं, सब अच्छा लगता था, वहाँ तो आपको टिपिकल स्टडी करनी पड़ेगी, फिर हिंदी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, एस्थेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, है ना, ये सब सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते थे, फिर लगता था फिर पढ़ाई आ गई, फिर बड़ा मुश्किल काम हो गया। पर यह है कि आहिस्ता 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 रास्ता बन गया, इस तरह से किया, फिर BFA पास हुआ, फिर फादर ने बोला कि अब तो तुमने कहा बी ए कर लिया, अब तुम ज्वाइन करो आगे, अब जॉब करो कुछ करो, मैंने कहा नहीं अब तो मास्टर्स करेंगे, फिर मैं मास्टर्स करने बड़ौदा गया, फिर वही बात थी कि अब इसके बाद क्या करोगे। तो ये जो रिफ्ट चलता रहा फैमिली में हमेशा, कि वो कहते थे नहीं यार हमने जो नहीं पाया तुम लोग परेशान नहीं हो, तुम कोई और लाइन में काम करोगे तो अच्छा होगा, सब यही कहानी है। तब के कॉलेज में क्या मस्ती चलती थी, आप और यू नो जो सीनियर्स थे और यू नो टीचर्स की बॉन्डिंग थी? एक्चुअली हमारे टाइम में ना टीचर्स और फ्रेंड बहुत दोस्त थे, बिल्कुल घर जैसी बात होती थी। हम लोग स्कूल में कॉलेज में भी काम करते थे, फिर कॉलेज के बाद शाम को काम करते थे, फिर उनके घर चले जाते थे, वो हमको अपने घर बुलाते थे, वो अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे, बातें करते थे, तो कभी भी वो इतना जो स्टूडियस एटमोसफियर भी था ना वो बड़ा हेल्दी लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। मैंने देखा आजकल जैसे मेरे बेटे कॉलेज जाते थे और जाते थे, वो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि वो मतलब अजीब सी एक बॉन्डिंग बनी नहीं पाई लगता है। तो आज जो आर्ट कॉलेज हैं और जो हमारे टाइम में आर्ट कॉलेज थे, हम लोग आज तक भी अपने कॉलेज की बात करते हैं, अब जब उनसे बात करते हैं तो बोले आप इससे बाहर ही नहीं निकलते कॉलेज से, आपको 50 साल काम करते हो बात कॉलेज ही करते हो। तो वो जो दोस्ती थी, वो जो रिलेशनशिप था, उसका मजा कुछ और ही था। और उस टाइम पे जो काम कर पाए तो बहुत लोग जो अभी ऑडियंस देख रहे हैं सर का आर्ट, रीसेंट आर्ट आपने देखा होगा, बट उनके कॉलेज में इन्होंने क्या किया वो नहीं देखा होगा, तो आई विल प्ले अ क्विक वीडियो अबाउट हिज आर्ट विच हीज डन इट यू नो ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज एंड यू नो व्हाट वाज द ट्रांजिशन, यू नो ही इज डन इट इन फेज वाइज कपल ऑफ सीरीज, सो लेट मी गो हेड एंड प्ले दिस।
सुपर्ब सर. सो ये जो आपके कॉलेज की आर्टिस्ट या ड्राइंग या पेंटिंग आपने दिखाई है, इसमें मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो बहुत नहीं, अच्छा लग रहा है. मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें इतना डिसिप्लिन होता था उस टाइम पे, हमको स्केचिंग करनी पड़ती थी, वाटरग्राफ करने पड़ते थे, फिर उसके बाद प्रिंट मेकिंग किया, फिर उसके बाद ग्राफिक्स किया, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली एक डिसिप्लिन ना, इतनी डिसिप्लिन में काम किया और फिर अल्टीमेटली सब छोड़ दिया और फिर अब खुल के प्लेफुली काम करना शुरू कर दिया। ये तरीका आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ। सो आपके करियर में टफेस्ट पॉइंट कब था? कब आपको यू टर्न मिला कि यू नो दिस दिस इज द टाइम? एक्चुअली मुझे लगता था आर्ट बहुत आसान है, कि ये इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें कुछ भी करो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया होता है। कॉलेज में जब गए थोड़े दिनों बाद लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ही मुश्किल मामला है। तो जितना जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना उतना जब आपको समझ आने लगता है उतना उतना ये मुश्किल होना रहता है। मतलब आज भी मैं पेंटिंग शुरू करता हूँ तो हमारे को इतनी प्रॉब्लम होती है कि क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे बनेगा। और रात कर शाम से सुबह से शाम तक काम करते हैं, काम करने के बाद रात को इतना अच्छा लगता है कि यार क्या अच्छा काम किया है, सुबह जाके देखते हैं तो लगता है क्या खराब काम किया है। मतलब वो आज तक भी वो बात समझ नहीं आती कि जो इतना आसान लगता था वो बहुत मुश्किल मामला है। पर ये है कि आप आहिस्ता 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 अपने रास्ते ढूंढते हो, बनते हैं, और टफ टाइम ये है कि एंजॉय करना शुरू कर दिया, फिर अब आप मुश्किलों के से सामने रास्ता निकलेगा तो फिर मुश्किल से काम करेंगे। तो अब जो है अब ऐसा लगता है कि अब कुछ थोड़ा कुछ करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा नहीं अच्छा लगता है। अभी तक भी ये है कि इट इज़ अ वेरी टफ टाइम, इट इज़ नॉट दैट ईजी। जो लगता था कि बहुत आसान है कि यार आर्ट कर लो, इससे अच्छा कुछ नहीं है, मुझे आज भी लगता है 50 साल काम करने के बाद भी कि कहीं भी नहीं पहुँचे। अभी भी लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं है, तो कुछ और भी होना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो इसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला है, एक वो है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल गया। इसमें तो रिजल्ट है ही नहीं, इसमें तो पता ही नहीं कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते। वो टफेट टाइम तो है। तो बट 50 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है आपका, यू नो, वो छोटा नहीं है. मतलब इट्स लाइक 5 डिकेड्स ऑफ जर्नी इन आर्ट. एंड इसमें, हाँ सर, बट वी रियली एंजॉयड, जितना भी टाइम था आज तक बहुत एंजॉय किया। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने ब्लू कलर लगाना है, कोई ये नहीं पूछेगा क्यों लगाया ब्लू कलर आपने, आना ये बनाया, कुछ नहीं करेगा। यहाँ आपको पूरी लिबर्टी है, आप कोई और कोई भी फील्ड में देखिए, आप एक बड़े एक्टर को देखिए, उसको डायरेक्टर को सर बोलना पड़ेगा, सर मुझे क्या करना है, मुझे ये क्या करना है, और राइटर को लिखना पड़ेगा कि डायरेक्टर के हिसाब से ऐसे लिखिएगा, ऐसे कीजिएगा, गाने वाले को फिल्म के हिसाब से लिखना पड़ेगा। हमारी आर्ट में ये है कि आप अपनी मर्जी में आप ऐसा बनाइए, हम यही करेंगे, ऐसा ही करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। तो जितनी लिबर्टी यहाँ मिली है, इसलिए वो मुश्किल भी इसलिए मुश्किल है। अगर कोई दूसरे और सामने गाइड करने वाला था, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो शायद वो आसान होता। तो ये मज़ा भी है और मुश्किल भी है। मज़ा एंड यू बीन सक्सेसफुल, आई मीन बोथ आपके आपका काम, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जो आपकी आर्ट बिकती है. ठीक है, ठीक है। मतलब तो सक्सेसफुल, मतलब आई डोंट नो सक्सेसफुल का मतलब क्या है। सक्सेसफुल ये है कि हाँ, लोगों को काम अच्छा लगने लगा, उनकी थोड़ी सी हार्मोनी बनी, जो उन्होंने मेरे फॉर्म के साथ, मेरे काम के साथ में रिलेट करना शुरू किया। जब ऐसा टाइम आता है तो अपने को भी अच्छा लगता है, और सामने वाला आदमी भी अगर आपका काम पसंद कर रहा है, और दो तीन बार तो लगता है कि चलो यार ऐसे ही बोलते हैं। लाइक मेरे फादर बोलते थे कि जिस दिन आपको अपनी तारीफ सुनना की आदत छूट जाएगी, तब शायद कोई अच्छा काम करोगे, लोग तो सभी तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ये जो है, ये तारीफ भूलना जरूरी है अपने काम में। गुड पॉइंट है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, बट यू नो लॉट ऑफ डीप मीनिंग. आई नो, आई नो। तो आपको कौन से आर्टिस्ट ने इन्फ्लुएंस किया आपके लाइफ में? यू नो वाज दैट योर फादर, योर मदर? माई फादर वॉज अ ग्रेट पेंटर। जितना अच्छा वो काम करते हैं, शायद मुझे लगता है कि मैं इतने पर हाथ 10-20 साल और भी नहीं कर सकता। इतने अच्छे फिगरेटिव आर्टिस्ट थे, सारे दिल्ली की सारी टेक्स्ट बुक्स उन्होंने डिजाइन करिए, तो इंडिया में वो डायरेक्टर थे, सारे उस टाइम पे दूरदर्शन के सारे प्रोग्राम सब वो डिजाइन करते थे। मैं आर्ट की बात, मैं ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। वो बोलते थे कि आप मेरी जैसी ड्राइंग करके दिखाओ, आपने आप आर्टिस्ट बोल रहे हो तो मैं 200 200 आदमी फिगर बनाऊंगा, आप बना के दिखाइए। नहीं कर सकते थे हम।
उसके बाद कॉलेज में आए तो कॉलेज में एक से एक बढ़ के चीज़ें थे, हर एक का एक कमाल था, मतलब किसी की ड्राइंग कमाल थी, किसी की बात करने का तरीका कमाल था, कुछ लोग मतलब रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता था, कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ा पाते थे पर अच्छा पेंट नहीं कर पाते थे। फिर क्या था, कॉलेज के बाद हम लोग त्रिवेणी कला संगम में दिल्ली में था, वहाँ शाम को काम करते थे, वहाँ पे हमारे टीचर होते थे मिस्टर रामेश्वर गुरु का, और वो आज मानो तो सीनियर मोस्ट पेंटर हैं, उनका काम मुझे आज तक इंस्पायर करता है, 30-40 साल से देख रहे हैं, हुसैन साहब हैं, स्पॉन्टेनिटी है उनकी, क्या काम में मजा है, क्या कलर में मजा है, क्या फॉर्म में मजा है, ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल से आती हैं, उसके करते 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 ऐसे आहिस्ता। फिर क्या होता है, अभी इस टाइम पे कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, अगर अपने काम पे था तो आप अपने काम में इतने उलझे होते हो कि वही आपको लगता नहीं कि कोई आपका पुराना इन्फ्लुएंस काम कर रहा है या आपको जो पसंद है वैसा कुछ आ रहा है, उससे अलग करना है, अपना कुछ करना है, नया कुछ करना है, वही एक जर्नी है, वही वही हम कोशिश करते हैं। तो ये जर्नी में आप एज एन आर्टिस्ट, आपको आपका ये फेवरेट जॉब कौन सा है, विच पार्ट ऑफ दिस जॉब एज एन आर्टिस्ट इज योर फेवरेट? पेंटिंग, हर वक्त पेंटिंग, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं, करना भी नहीं था, हर वक्त एंजॉय किया, हर तरह से एंजॉय किया उसको। और अच्छा क्या हुआ कि 30-40 साल के बाद जब मैं हुआ 43 साल का, उसके बाद ये कि पेंटिंग मेरे लिए रिकॉग्नाइज होनी शुरू हो गई, फिर बिकनी शुरू हो गई, फिर पैसे आने भी शुरू हो गए, जब पैसे आने शुरू हो गए तो अच्छा लगने लगा। और आहिस्ता 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 ये है कि अब सब लोग पहचानते हैं, मेरा एक हर आदमी का एक अपनी सिग्नेचर बन जाता है, एक स्टाइल बन जाता है, काम करने का तरीका होता है, लोग उसके काम से पहचान जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ हो गया है कि लोग पहचानते हैं मुझे। अच्छा, आपकी जर्नी जो अभी वीडियो दिखाई थी, आपने यू स्टार्टेड विद कॉलेज में आपके ड्राइंग की, फिर बाद में वाटर कलर्स की, फिर बाद में पेंटिंग की, फिर बाद में अभी आप लैंडस्केप्स पे, ये सो व्हाट व्हाट इज योर करंट इंस्पिरेशन, अभी किस पे आप? नेचर नेचर नेचर, ऑलवेज नेचर, मुझे इतना घूमने का शौक है, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमा हूँ, इतने पहाड़ों में घुमा हूँ, सब जगह जाता हूँ। अच्छा, मैं वहाँ पे स्केचेज नहीं करता, फोटोग्राफी नहीं करता, इसलिए कि क्या है कि उसको रिप्रेजेंट अगर घर में करेंगे तो वो बन ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। तो उसके आगे कुछ सोच सकते हो, उससे कुछ अलग कर सकते हो, या वहाँ से कुछ फॉर्म आपके दिमाग में रहती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, जब आप पेंट करते हो तो वो चीज़ें शायद रिफ्लेक्ट होती होंगी, शायद इसीलिए कुछ काम अलग निकलता है, नहीं तो एक कैमरे से फोटोग्राफ लिया उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया तो वो तो हो ही नहीं सकता जो काम करेगा। आपको अपनी भाषा बनाने के लिए, और नेचर तो बहुत बड़ी बात है, नेचर के अलावा और कुछ नहीं। कितना कितना देर खड़े रहते हैं आप कैप्चर करने के लिए? अभी व्हेन वी टॉक अबाउट हाई डेफिनेशन, हम लोग कहते हैं इतना पिक्सल, इतना रिजोल्यूशन में, जब विनोद सर कैप्चर करते हैं वो मूवमेंट को बाहर, लेट्स से लैंडस्केप को, आप ऐसा ऐसा नहीं, निकलते चले गए। मुझे लगता है हम लोगों की लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग है दिमाग में, सब कैप्चर होता रहता है, कैप्चर होता है, कैप्चर हो जाता है, जब आप काम कर रहे हो तो शायद आपके दिमाग में आता है कि हाँ यार यहाँ से कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ था, पर अगर एक्चुअली वैसा ही कुछ करोगे तो बहुत खराब होगा, नहीं हो सकता, तो करना तो आपको अपना ही पड़ेगा, तो जो रेफरेंस पॉइंट हैं वो जो आपके दिमाग में हैं जो आपने किए हैं, और अगर हमने शूट किया होता या स्केच किया होता उसको देख के कर रहे होते तो वो बात बनती नहीं, अपनी भाषा नहीं बनती, अपना तरीका नहीं बनता, वो फिर वो कैमरा जो कर रहा है हम कर रहे हैं वो सेम बात, इसलिए। तो व्हेन डू यू फील द पेंटिंग इज डन, यू नो इसकी इसका फाइनल एंड हो गया है, इसको अभी डिस्प्ले में लगा सकते हैं? यार ये एक बहुत मुश्किल, ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे हम लोग बाहर पेंट करते हैं, पब्लिक में पेंट करते हैं या कैंप्स में पेंट करते हैं, तो वहाँ पर बड़ा स्पॉन्टेनियसली जल्दी काम होता है, जल्दी करते हैं, जब हम स्टूडियो में काम करते हैं तो हम सोचते हैं बहुत सीरियस काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, तो वो इतना ओवर काम हो जाता है कई बार कि बहुत ख़राब हो जाता है, कभी कभी बहुत चाइल्डिश हो जाता है कि जल्दी से छोड़ दिया कर दिया, ये बड़ा मुश्किल काम है। बस ये एक जुआ है, ये एक गैम्बलिंग है कि आपने एक काम किया छोड़ दिया, हाँ अब ठीक है, अब वो कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता, ये मुझे लगता है समझ नहीं आता, ये तकलीफ का काम है कि कब पेंटिंग छोड़ देनी है, कब, फॉर्मूला तो है नहीं कोई, एक लेडी बनानी है वो जब कंप्लीट फिगर होगी तो बन गया, हमारे तो यहाँ ये बात है नहीं, आपके जो मॉडर्न आर्ट है जो जो आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी काम है उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे, आपको किसी ने असाइनमेंट नहीं दिया कि आपने ये बनाना है, जब आपको ये बताया तो फिर बड़ा मुश्किल काम है।
पेंटिंग कब खत्म होती है ये जानना एक तकलीफ का काम है। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, आलोक मजुमदार, सो इम्प्रेसिव, अमरनाथ शर्मा जी बोल रहे हैं कंग्रेचुलेशन सर, अमिता शर्मा इज सेइंग ग्रेट सर, और उत्तम मल्लिक नमस्कार बोल रहे हैं, विनोद सर नमस्कार। तो थैंक यू ऑडियंस, बट आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है विनोद सर के लिए, प्लीज़ आस्क सो दैट आई कैन आस्क हिम वाइल ही इज़ लाइव। सो सर, फॉर एन आर्टिस्ट एंड फॉर यू, वट वट इज़ द टफेस्ट थिंग टू गेट द पेंटिंग डन? जो आपका इमेजिनेशन है, डू यू फील दैट यू नीड समबडी हु इज़ असिस्टिंग यू, और यू फील दैट आई एक्चुअली कैन डू इट माई ओन? टफेस्ट टाइम इज टू स्टार्ट द पेंटिंग, जब आप कैनवस सामने रखते हो और आप बाहर के सामने बैठ के सोचते हो क्या बनाना है, ये बहुत मुश्किल काम है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब ये कुछ भी होगा, तो जैसे मेरा काम करने का तरीका है कि मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बहुत जैसे कलर कलर को फ्लो किया, फिक फेंक दिया, फिर उसको देखा, फिर फॉर्म प्लेट की, तब फिर रास्ते बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसके बाद ये लगता है अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और कहाँ ख़त्म करना, ये फिर टफेस्ट टाइम है। फिर ये मुश्किल टाइम है कि यार अब यहाँ ख़त्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको अपनी तरफ लगता है कि ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे लगता नहीं यार अभी तो और काम करना है इसके अंदर। तो ये जर्नी जो है जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। वो बस ये अब ये आदत पड़ गई है, अब ये है कि रोज आ रहा है कि इस लड़ाई लड़नी है, सुबह जाओ नेक्स्ट डे फिर जाओ, फिर ये सोचो, फिर दोबारा आओ। बड़ा अच्छा लगता है घर में आओ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े खुश खुश होते हैं, नेक्स्ट डे जाते तो लगता नहीं यार। क्या है ना, वो रोज की बात है। जैसे आप रात को सोएं, सोने से पहले आप, मुझे लगता है ऐसे सोचना चाहिए कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, या आज मैंने कुछ गलत खाया, या आज मैंने कुछ एक्सरसाइज नहीं की या कुछ नहीं किया। तो वो रियलाइजेशन जो आती है वो सुबह जाके आती है कि नहीं यार ये यहाँ गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा ऐसे लगता था, ऐसे लगता था। पर आपके फिर आप फिर वही लड़ाई, फिर वही झगड़ा, वही सब बातें कैनवस के साथ, वही दोबारा से। ये थोड़ा सा टफ टाइम है। कभी लगता है कि ये प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं मटेरियल के, या आपको ये जो आपने ट्रांजिशन देखे हैं 50 ईयर्स में, ये जो कैनवस, यार पेंटिंग्स, देखो, पहले तो टूल्स? क्या होता था, पहले तो क्या होता था, आप पेंटिंग बना रहे हो, आपने बोला विनोद जी बड़ी अच्छी पेंटिंग है, हम बोलते लो आप ले गई, कोई बात नहीं, मतलब आपने तारीफ की, यही बहुत बड़ी बात है। तो पेंटिंग ऐसी दे देते थे। फिर जब से कमर्शियल गैलरी है, जो लोगों ने पेंटिंग की, प्राइस बढ़ना शुरू कर दी, प्राइस रखनी शुरू कर दी, तो बड़ी खुशी होती थी कि यार 500 रुपये की बिक गई, 1,000 रुपये की बिक गई, आज 10 लाख की बिकती है, तो भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये प्राइस बढ़ाने में, प्राइस रखने में ज़्यादातर गैलरीज का कंट्रीब्यूशन है, और वो इस तरह है कि वो आपकी जर्नी देखते हैं कि आपने 50 साल में कितने शो किए हैं, या आपके 30 साल में काम किए हैं, आपने कितना किया। ऐसा नहीं कि अचानक के कमाल काम किया उसकी प्राइस आपने इतनी रख दी और दूसरी बड़ी होती, ऐसा नहीं। प्राइस जो है आपके काम के हिसाब से, आपकी जर्नी के हिसाब से, आपने कितने साल के पीछे मेहनत है उसके हिसाब से प्राइस देते हैं। तो इतने साल करने के बाद अगर कोई हमको प्राइस देता है तो हम कहते हैं कि यार वो जोड़ो ना इतने साल जो नहीं मिली हमको प्राइस, नहीं किया तो अगर आज मिल गई तो क्या है, इतनी मेहनत का तो हम डिजर्व करते हैं। आपका आर्ट वर्क जो आप बहुत प्राउड फील करते हो, वो कौन सी कभी पीस नहीं, है? कोई भी नहीं, पीस नहीं, अभी तक तो कोई नहीं कोई बना भी है, नहीं बनी? बना ही नहीं, शायद पता नहीं बनेगा नहीं, पर ये कि हाँ अच्छा लगता है। क्या होता है, ये बहुत टेम्पररी प्लेजर है, और जो काम करते हो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, बड़ा अच्छा किया, फिर थोड़े देर बाद लगता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं। अच्छा अभी क्या करते हैं, बना के उल्टा रख देते हैं ताकि 2 दिन नहीं देखें, फिर 10-15-20 दिन बाद दोबारा देखेंगे, कुछ और रखते हैं, नहीं तो उसमें ही कमी नजर आती लगती रहती है, दूसरा काम आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये एक तरीका है सर, फ्रेंडशिप क्या मायने रखती है आपको अदर आर्टिस्ट के साथ? सर। दोस्ती बहुत बहुत जरूरी चीज़ है, मेरी तो सबसे दोस्ती बनी रहती है शुरू से। मेरे इतने मित्र हैं, इतने दोस्त हैं, गैलरी वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे, मतलब पब्लिक में, बिल्डिंग वाले लोग, को सबसे दोस्ती रहती है। इसलिए मैंने बहुत सारे आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज किए, गैलरी वालों ने बोला कि आप कुछ करो, तो मैंने बोला ठीक है, मैं 4 दोस्तों को फ़ोन कर देता हूँ। 4 दोस्तों को फ़ोन किया, वो उन्होंने 4 दोस्त और बताए, 8-10, ऐसे बन रहे, मेरे पूरी फैमिली बन जाती है, ऐसे चलते गए, आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ती जाती है। फिर 10-15 हफ्ते साथ में रहते हैं, अब्रॉड जाते हैं, एक फैमिली रिलेशन हो जाता है। ऐसे 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 ऐसी इतनी फैमिली बन गई, इतने जगह हो गई कि आज मुझे लगता है
सारे हिंदुस्तान में आर्टिस्ट सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के रिलेशन है, अच्छा लगता है। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक दोस्ती नहीं करो बात नहीं बनती, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को भी होता है कि लोग बहुत मुश्किल से खुलते हैं, बहुत मुश्किल से अपने अपने सामने बात। मेरे को लगता है नहीं यार ये सब आपने इतना कुछ किया होगा, कहीं तो पहुँचे आप, तो हमारे पास कोई पैमाना नहीं कि आपको जज करें कि नहीं यार ये नहीं है, दोस्त सब अच्छे, सब में अच्छा ही है, सब अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने ये भी सुना है कि आपकी दोस्तों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत होती है, तो ये क्या म्यूचुअल बहुत अंडरस्टैंडिंग है? बहुत होती है वो, इसलिए कि सब लोग उसी जर्नी से गुजरे हैं यार, उसी तकलीफ से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जब वो इस एक लेवल पे सब आ गए हैं तो सबको लगता है कि यार सबके वो रास्ते हैं, तो अब क्यों ना अच्छा टाइम बिताया जाए, अच्छी बातें की जाए, ये छोड़ दो ये द्वेष, ये ना जलसी, ये और तेरे पास कार है मेरे पास नहीं है, इन सब बातों से हम आर्टिस्ट सब दूर हो चुके हैं, सब आगे आ गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सक्सेसफुल हो, आप फिर कितने नहीं, जब बैठेंगे तो वो हम एक अच्छी पॉजिटिव बात करते हैं, काम की बात करते हैं या फिल्म की बात करते हैं या खाने की बात करते हैं या कपड़ों की बातें करते हैं, तो ये बातें बीच में कभी आई नहीं हम लोगों को, तो नहीं आई, और इन बातों का कोई मेरे को लगता है कोई मतलब भी नहीं है, वो सब वर्ल्डली चीज़ें हैं, मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी चलता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत सारी कैंपिंग की होगी ये को आर्टिस्ट के साथ, आपके दोस्तों के साथ। सो ये जब कैंपिंग की थी, कुछ अच्छे हटके मोमेंट जो आपके बहुत करीब हो, कुछ हाँ मज़ेदार, बहुत मैं बताऊँ मज़ेदार हटके मोमेंट? हटके ये है कि जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं कि जैसे आपके हैदराबाद में रचना गौड़ हैं या कलकत्ता में जोगिन चौधरी हैं या वो जब लोग हैं उनके नाम सुने पर आप उनको कभी जानते नहीं, कभी मिले नहीं, अब उनके साथ में आपको 7 दिन रहने का मौका मिल गया, उनके साथ जानने का, उनसे बात करने का, उनका मजाक करने का तरीका, उनका गाने का तरीका, तो ये जो फीलिंग थी, ये जो बॉन्डिंग थी, इसका मजा कुछ और था। और मतलब मैंने देखा कोई भी आर्टिस्ट आज तक सब खुश रहते हैं, इतने मज़े में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, मजाक होता है, जो वो 7-8 दिन कैंपिंग के निकलते हैं वो आप पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं, और जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो बोलते हैं कि यार इतना अच्छा आर्टिस्टों के साथ तुमको टाइम मिला है, इतने अच्छे लोग हैं, वो रिलेशन कभी भूलते नहीं, इसलिए इतने सारे आर्ट कैंप हुए हैं और एक एक क्या एक फैमिली जैसी बन गई है। आज मैं अगर चेन्नई जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ तो सब आर्टिस्ट मिलने आएंगे, हम उनके घर जाएंगे, जो पहले नहीं होता था, पहले ये होता था कि हमने नाम सुना है और बड़ा मुश्किल था कि आप बैठे हैं तो रवि जी से बात करनी है तो कैसे बात करें कैसे नहीं करें, तो अब क्या है वो आपके आपके काम से ही पहचानते हैं, फिर आपका नेचर भी जानते हैं, फिर आपके साथ में रहे हैं, पूरी फैमिली साथ में रहेंगे, इस तरह से एक पूरा का पूरा एटमोसफियर बहुत पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और बहुत अच्छा सॉरी, लगा। और क्वेश्चंस आ रहे हैं। उत्तम मलिक सर पूछ रहे हैं, सर आपका एक काम मेरे पास है। उत्तम मलिक जी बोल रहे हैं, और आलोक मजुमदार सर सेइंग, विनोद सर योर कॉन्सेप्ट इज अल्टीमेट, सो थैंक दिस यू इज अ थैंक यू कॉम्प्लीमेंट फॉर थैंक यू। यू। तो संजीव कुमार गोगई जी बोल रहे हैं, विनोद जी आपको मेरा नमस्कार। शुक्रिया। नीलाद्री घोष सर प्रणाम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप कैसे अपना सिग्नेचर वर्क में आए, आपके सिग्नेचर वर्क में कैसे आए, दैट्स द क्वेश्चन। सिग्नेचर के बाद बहुत एक्सपेरिमेंट किया, बहुत जगह जाने के बाद फिर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम लोग ग्राफिक्स करते थे, फिर वो टेक्सचर बहुत काम किया, फॉर्म पे बहुत काम किया, वो फिर अपने आप आहिस्ता 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 लोगों को पहचानने लगे कि ये इस तरह का काम ये विनोद का ही होता है, तो सिग्नेचर वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर यह है कि एक एक तरीका बन जाता है कि आप जो है अगर आप गा रहे हो तो गाते गाते कुछ भी गाइए अल्टीमेटली आप उसी तरह पहुंच जाएंगे, ऐसे ही है ना, ऐसे ही काम करते करते आपका तरीका वही लय में पहुंच जाता है, ये इसको सिग्नेचर वर्क कही है, पर यह है कि आप पहचान बन गई जाने लग गए, मुझे ऐसा लगता है। और उत्तम मलिक से ही बोल रहे हैं, टाटा स्टील आर्ट कैंप सईद 2006 में हम वर्सेस अस कैंप में काम किए, आपके साथ 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 बहुत अच्छा लगा था। सो आई थिंक साथ में आपके साथ, शुक्रिया सॉरी शुक्रिया, अबाउट, मेरे मेरी जो हिंदी इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है वो थी अच्छी नहीं है, कोई बात सॉरी अबाउट नहीं दैट उत्तम जी।
सर यू नो आप जो फ्रेंडशिप आर्टिस्ट के साथ करते हैं और आपके फ्रेंड्स आई मीन जो कस्टमर्स हैं जो आपके साथ आर्ट खरीदते हैं उनके साथ, उनके अलावा आर्ट गैलरी के साथ भी रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब ये आर्ट गैलरी एक आर्टिस्ट के लाइफ में क्या रोल प्ले करती है और इसका आपके इसमें क्या मायना है? एक्चुअली आर्ट गैलरी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके लिए भी दोस्ती बहुत जरूरी है कि बहुत अलग अलग तरीके के एटीट्यूड होते हैं। एक बहुत कमर्शियल एटीट्यूड होता है कि ये आर्ट गैलरी है, इनका काम मेरा काम बेचना है, ये पैसे देंगे मैं इनको पेंटिंग दूंगा, खत्म हो जाए। यहाँ मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे साथ एक बहुत अलग लेवल था। जैसे मिलते थे बिल्कुल जैसे घर में आने जाना हो गया, वो उनके घर आते थे हम उनके घर जाते थे, कभी उनसे पूछा नहीं। मान लीजिए 10,000 रुपये की पेंटिंग है, उन्होंने बोला यार मेरे दोस्त हैं मैं उनको 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दूँ, कभी ना नहीं किया, ना तो मुझसे होता ही नहीं। तो वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड था वो दोस्ती इतनी काम आई कि कल को जरूरत होती है कोई और बात होती है आउट ऑफ द वे जाके, मान लीजिए उन्होंने आपको एक पेंटिंग दी चाहिए तो वो क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो मुझे पहले कहेंगे कि भाई ऐसा एक साइज का काम है इस तरह का है, तो आप भी दोस्ती यहाँ भी काम आती है और फिर रिलेशन बनता है। फिर बहुत सारी बातें थी, बताते हैं नए नए आर्टिस्टों के बारे में, बताते हैं उनके साथ जो डील करते हैं वो बताते हैं। तो आप 24 घंटे अपनी फील्ड में रहते हैं, अपनी अपनी उसी जगह रहते हैं। जब गैलरी वाले, जब गैलरी से ऐसी दोस्ती हो जाती है तो फिर अब वो वही आपका ख्याल रखते हैं, आप अपना पेंट कीजिए करते रहिए, आपको ना बेचने की चिंता है ना आपको पैसे की चिंता है ना कोई बात है। जब पैसे नहीं होते या काम नहीं मिलते तो भी गैलरी वाले आपकी हेल्प करते हैं, यार ये आप काम कीजिए, आप सब कुछ भूल जाओ ना काम करो। तो गैलरी का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत ओके, देर आर टू थिंग्स, रिलेशनशिप्स एंड प्रॉफिट्स, सो ये दोनों में कौन सी चीज आपको बहुत मायने रखती है? रिलेशनशिप विद हुम? रिलेशनशिप विद यू नो फ्रेंड्स और यू नो रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी हु इज कमिंग अक्रॉस, आपके कस्टमर्स। रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी बात करते हैं और आपके साथ मिलकर सामने वाला कंफर्टेबल होता है तो फिर वहाँ पैसा भी नहीं आता, फिर बोलते हैं नहीं यार ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा दोस्त है, ये ठीक है कोई बात नहीं। तो वो जो जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी बात करके जो हंस के वो जो मिलता है वो मज़ा, वो उससे बहुत फ़ायदा होता है, रिलेशन भी बनता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है। आप ऐसे ही आप रहिए अपनी औरा में, आप ज़्यादा बात नहीं कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिए, तो उनको भी लगता है कि यार ले तो ले पर पता नहीं है। मुझे लगता है हंसने में ज़्यादा अच्छा मज़ा है, ये दोस्ती में ज़्यादा मज़ा है। मज़ा आपने बहुत जगह ट्रैवल की है, स्पेशली यूरोप, आई मीन इंडिया से बाहर अगर बात करें यूरोप टूर में, वहाँ पे कैंप्स में आपको क्या डिफरेंस लगा यहाँ पे, यहाँ के आर्टिस्ट का जो डिमांड है, पेंटिंग्स का जो डिमांड है वर्सेस वहाँ के कल्चर का? मेरे को लगता है इंडिया में पेंटिंग का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सबसे ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पर आर्टिस्ट एक दूसरे को मिलते नहीं हैं, अपने अपने स्टूडियो में बिजी रहते हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग में सारे आर्टिस्ट मिलेंगे, फिर साथ में खाना खाएंगे, रात के 12 बजे तक पार्टी चलेगी हर जगह। वहाँ मैं देखा पेरिस में हमारे शो था, कोई आता ही नहीं है, पेरिस के आर्टिस्ट मिलते नहीं, और हम तो बोलते हैं वो आर्ट कैंप उनको पता ही नहीं आर्ट कैंप क्या होता है, यहाँ तो इतने लोग मिल के जा रहे हैं। बोलते हैं अच्छा कोई है जो पैसे भी देता है आपको यहाँ जाने के, आपको ले के आए घुमा के लाया? तो वो बड़ा बड़ा सुपरफिशियल उनका है। मेरे को लगता है हिंदुस्तान में जो आर्टिस्ट हैं तो दोस्त हैं, वो बहुत मज़ा है, बहुत अपनापन है, बहुत बहुत एक दूसरे का लिहाज है, शर्म है, एक दूसरे की बातें, मतलब अगर मुझे कोई जरूरत है तो आपको वो गाइड करेंगे, वो आपके हेल्प करेंगे हर तरह से। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ थोड़ा सा रुखापन लगता है, पर काम तो आर्ट ही है, जो मज़ा वहाँ का है वो है। जब रिलेशन की बात करूँ तो फ्रेंड्स जिन्होंने सर की जर्नी नहीं देखी होगी, यू नो ही ट्रैवल्स अ लॉट एंड ही गोज टू यू नो मेनी प्लेसेस एंड अ कपल ऑफ पिक्चर्स विद हिज फ्रेंड्स कोलीग्स हु यू नो डन वर्क टुगेदर और यू नो गॉन टू सम ऑफ दीज आर्ट एग्जीबिशंस टुगेदर, सो हियर इज अ क्विक वीडियो विच शोकेसेस दिस अबाउट हिम।
सुपर लवली पिक्चर्स सर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. शुक्रिया थोड़े पिक्चर्स थोड़े हटके थे यू नो स्पेशली यू नो मैडम के साथ. सो मैडम भी बहुत आर्टिस्टिक. मैडम हमेशा हमेशा मेरे साथ हर कैब में जाती हैं और हम लोग दोस्त हैं बिल्कुल. सबके साथ मेरी दोस्ती रहती है, मेरी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हर लोग जो मतलब मुझे सब लोग अच्छे होते. कोई किसी से कभी कोई बुरा नहीं लगा, कभी कोई झगड़े वाली बात नहीं होती. मेरी आज तक किसी से मुझे याद नहीं है कभी किसी से तू तू में हुई है. कभी मैं मुझे गुस्सा ही नहीं आता एक्चुअली. मुझे अच्छे लगते साथ. यू आर वेरी लकी. एंड वी आर लाइक फ्रेंड्स. लाइक आई गॉट मैरिड इन 79 लाइक आज 34-35 साल हो गए. कोई फर्क नहीं पड़ता, सब दोस्त हैं. आज की तरह भी वैसे ही दोस्त हैं, वैसे ही जाते हैं. ओके, वी हैव सम मोर क्वेश्चंस कमिंग इन, बट उससे पहले एक क्वेश्चन. सो नाउ योर सन इज अ डायरेक्टर एंड यू नो ही इज you know he's very famous with his you know new series web series Breathe, and your daughter is you know fashion designer. And kaisa lag raha hai aapko, you know the entire family is now artistic. Hamare ghar pe sabhi sir kamal hai. Mera chhota beta hai, wo abhi actor tha, usko event karna hai. Meri wife jewelry design karti thi, apne kapde design karti thi. Ye meri daughter in law jiski baat kar rahe hain, daughter hi hai. वो जयपुर से वो सब अपने अपनी अपना ब्रांड डिजाइन करती है. एक एक चीज़ अपने हाथ से करती है. बेटा मेरा है, हाँ ही इज डूइंग वेरी वेल. वो बहुत मेहनत करता है, बड़ा अच्छा है. उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. आप देखिए अब जीत आपको अच्छा लगेगा. और रिलेशन तो कमाल है सर, बहुत अच्छे हैं हम लोग. को तो 24 घंटे हम लोग हंसी मजाक ये वो चलता ही रहता है. कभी कोई टेंस एटमोसफियर नहीं आया आज तक. इसीलिए सब लोग कहते हैं यार आप लोग बहुत Yeah. So friends who are not aware, you know, Sir's son Mayank Sharma is the director for you know Breathe, which is on Amazon Prime. So do watch it if you've not you know watched it. Till now I've seen that it is there, but I've not watched it. But I will now definitely watch and see what Sir's son is up to, and you know what is the message he's showcasing during you know this particular web series. So we have some. अच्छा लगेगा आपको. थैंक यू सर. जोवियल जैस्मीन पूछ रहे हैं, सर आई रियली लाइक योर वर्क. हाउ कैन वी मोटिवेट किड्स? हाउ कैन वी टेल देम देयर इज नो गुड और नो बैड आर्ट? ये कैसे बोल सकते हैं? नहीं, कोई बैड आर्ट नहीं होता. हर बच्चा कमाल करता है. उसको ला के कलर दीजिए, खवेश करने दीजिए, काम करने दीजिए. एंड नेवर डिस्करेज. है ना, जितने भी काम करते हैं वो काम को रखिए, इकट्ठे करके उस पर ये डेट डाल कर रखिए, उसको साइन करके फिर उनको 3 महीने बाद 6 महीने बाद पूरा काम दिखाइए. उनको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत खुश होगा. तो जितना एनकरेज करोगे और कोई मटेरियल जितना हो सके, बजाय आप चॉकलेट लेने के उनको कलर ला के दो या और चीज़ ला के दो. तो और कहते खेलने दो, लेट देम प्ले. खराब करने दो दीवार, खराब करने दो. तो जब तक उनको वो फ्रीडम नहीं मिलेगी तब तक वो बात मजा आए. कोई बैड आर्ट नहीं होता. बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, हम सबसे अच्छा करते हैं. स्पेशली जोवेल जी बता रहे हैं कि यू नो बच्चे आजकल बहुत कुछ यू नो डिजिटल वर्ल्ड में ही खोए हुए हैं. तो यू नो कुछ सजेशन जिससे यू नो उनको वहाँ से डिजिटल वर्ल्ड से वो वर्चुअल वर्ल्ड से निकाल के ये वर्चुअल आर्टिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड में घुसाए. अब यार ये तो एक थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग तो सारा दिन क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, बाहर जाते थे, पतंग उड़ाते थे. हमने बच्चों को देखा बाहर निकलते ही नहीं. वो 24 घंटे वीडियो गेम है, ये है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है. पर ये भी जरूरी है आज के ज़माने में, अगर नहीं आया हक तो मुश्किल है. डिजिटल वर्ल्ड भी जाना चाहिए और उनको खेलना भी चाहिए, बाहर भी निकलना चाहिए. थोड़ा सा इंडोर गेम जरूरी है, आउटडोर गेम जरूरी है. पर समय के साथ भी चलना जरूरी है. आज स्कूल नहीं बंद है, इतने दिन से सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पर हो रहा है. अगर नहीं आता होता तो बड़ा मुश्किल होता. अजय समीर जी ऑनलाइन है, वो हेलो विनोद जी करके आपको हाई बोल रहे हैं. आलोक मजुमदार जी, सो ब्यूटीफुल मोमेंट सर, वेरी नाइस फोटोग्राफ्स. एंड उत्तम मलिक जी भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वेरी नाइस फोटोग्राफ्स. एंड सोमानंद एम गादकारी बोल रहे हैं, रियली नाइस आर्टिस्ट, कंग्रेचुलेशन सर. एंड सुमिता आयुब बोल रहे हैं, नमस्कार सर, नाइस फोटोग्राफ्स. सो दीज आर फ्यू ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स दैट आर रोलिंग इन. थैंक यू सर. ये आपके ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन. काम करते रहो बस,
अच्छे अच्छा काम करो, अच्छी अच्छी पेंटिंग करो, जितना हो सके उतना काम करो। और ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब अब क्या है यार, सब कुछ तो है हमारे पास, सब कुछ तो मिल गया है, सब अपने में खुश रहो, मस्त रहो, काम करो, यही ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। अब घर हो गया, गाड़ी हो गई, स्टूडियो हो गया, इसके अलावा क्या करेंगे आप, क्या चाहिए आपको? तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ये है कि अच्छा काम करो, और जब तक हो सके आप, जब तक आप कर पाओ अपने आप को काम में, सीरियसली यही मैं सब लोगों से कहता हूँ कि देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई वो नहीं है। आज भी 40-50 साल काम करने के बाद हमें लगता है कि नहीं यार वो बात नहीं है, वो बात नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि ये रियाज है, ये ज़रूरी है, ये आप जब तक करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अब जैसे मुझे लगता है कि मैं 6 महीने बाद आज पेंटिंग बनाऊँ तो कमाल हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये तो अगर आप 2 महीने काम नहीं करो तो आपने काम से 1 साल पीछे रहता है, वहाँ तक पहुँचने में, उस जगह तक पहुँचने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए भाई ये है कि आप काम करते रहिए, और हर जगह हर वक्त प्रॉफिट ना सोचे कि काम नहीं बिकेगा तो क्या होगा, ये नहीं तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए कोविड टाइम में हमारे इतने आर्टिस्ट दोस्त हैं, मैंने देखा सब लोग इतने खुश हैं, सब लोग आए कि उनको काम करने का मौका मिला। अभी उनको ये आज बाहर जाना है, आज इससे मिलना है, आज ये करना है, आज गैलरी में जाना है, आज वो सब बातें खत्म हो गई। तो आपके रिलेशन इतने अच्छे बन गए, दोस्ती फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, आप अपने काम के बारे में सोच पाए हो, अच्छा खाना बनाते हो, अच्छा खाना खाते हो, तो ये सब फर्क पड़ा रहता है। आपके मुताबिक व्हाट्स मिसिंग इन इंडियन आर्ट प्रमोशन? अगर इंडियन आर्ट प्रमोशन, जो इंडियन आर्टिस्ट है बहुत सारे, लॉट ऑफ कॉर्नर स्टोन आर्टिस्ट जो बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं बट उनके प्रमोशन नहीं करना कर पाते, तो क्या चीज़ मिसिंग है? एक्चुअली प्रमोशन तो गैलरी का काम है, गैलरी वाले करते हैं। गैलरी क्या है, गैलरी उन्हीं लोगों का काम बेचती है, उन्हीं लोगों को प्रमोट करती है जिनसे उनको पैसा मिलता है उनसे। पर जो यंग आर्टिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसी गैलरी होनी चाहिए जो यंग लोगों को सपोर्ट करें, उनके काम को हेल्प करें, प्रमोशन दें उनको, तो एनकरेजमेंट मिले उनको। इसीलिए ये है कि आज इतने यंग आर्टिस्ट बेचारे अच्छा काम करते हुए भी नहीं कर पाते क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती, वो नहीं होती। पर हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अब गैलरी जो है ऐसी बात नहीं, बहुत यंग लोगों का साथ दे रही है, बहुत अच्छा, ऐसा ना कहे कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में अभी फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हैं, इनके इसमें बहुत सारे, एक तो डायलमा रहेगा कि यार मैं जाके सक्सेसफुल बनूंगा आर्टिस्ट कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क उनके इसमें रहता है। तो उनको सक्सेसफुल बनने के लिए व्हाट इज़ द सजेशन यू विल गिव? मतलब ये कॉलेज में है, यार ये इन्होंने चूज़ किया है मैं आर्टिस्ट बनूंगा, बट उनको पता नहीं कि मैं क्या बनूंगा उसके। बन पाओगे, बन बन पाओगे, देखिए सब लाइन में ऐसा है। आप कोई भी लाइन बताइए जिसमें कोई श्योरिटी तो है नहीं, आपकी मेहनत, आपकी सिंसियरिटी, और आप अगर काम करेंगे ईमानदारी से और सच्चाई से काम करेंगे तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी और आप जरूर आर्टिस्ट बनेंगे, जरूर अच्छा काम करेंगे। अब बीच में आप अगर खो जाते हो, रास्ता छोड़ देते हो, या किसी कारण मेहनत नहीं करते हो, या कोई और परेशानी होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल आएगी। पर यह है कि इतना मुश्किल नहीं है, और मुझे लगता है आर्ट करने में तो बहुत मज़ा आता है यार, बहुत अच्छा लगता है। वो कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर करते रहेंगे तो सक्सेस मिलेगी। मेहनत, ईमानदारी चाहिए, मेहनत चाहिए और सिंसियरिटी से काम करो बस। जब आप 1 घंटा काम करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, जितनी देर करो उतनी देर ईमानदारी से काम करो, जरूर सक्सेस। सर, आपको कब पता चलता है कि ये जो आर्ट मैं बनाने जा रहा हूँ या बन रही है, इसकी इतनी वैल्यू, इतनी कीमत मैं लगा पाऊँगा? यार ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है। अभी तो क्या हो गया कि अब आपने काम किया, हम लोगों का एक क्या होता है, हर आर्टिस्ट का मोस्टली एक एक प्राइस बन जाती है कि आजकल अब कैसे प्राइस बनती है, ऐसे स्क्वायर फीट के हिसाब से बन जाती है कि भाई आप अच्छा काम, 40,000 रुपये स्क्वायर फीट, 20,000 रुपये स्क्वायर फुट, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट। तो ये नहीं है कि हर बार आदमी को सोचना पड़ेगा इसकी प्राइस क्या है, गैलरी वालों को पता है कि भाई इनकी इस प्राइस से मिलती है, वो उसको नाप के स्क्वायर फीट के हिसाब से प्राइस बनती है। तो वो प्राइस क्राइटेरिया नहीं, प्राइस तो हो आपका फिक्स ही है ना एक तरह से। क्राइटेरिया अच्छा काम है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी पेंटिंग कर रहे हो और वो पसंद कर रहे हैं लोग, तो
पैसे भी मिलेंगे, पसंद भी आएंगे, अच्छा भी देंगे। वो ऐसा नहीं कि अच्छा काम है तो अच्छी प्राइस होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। काम सारे अच्छे होते हैं, सिर्फ आपको पसंद होना चाहिए। सो सर, कोविड के टाइम में बहुत सारे नए आर्टिस्ट उभरे हुए हैं, और कोविड के टाइम में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को लगा कि यह टाइम ख़राब चल रहा है, बट आपके मुताबिक ये पैंडमिक जो चल रही है जहाँ पे मार्केट थोड़ी डाउन है, क्या ये नई अच्छी अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए, या दिस इज़ द टाइम दे हैव टू लाइक स्लो डाउन वेट फॉर द गुड? देखिए देखिए, मुश्किल तो है ऐसे, थोड़ा सा मार्केट स्लो है, आपको पैसे की प्रॉब्लम होती है, जो लोग जॉब कर रहे थे उनको तो फिर भी ठीक है, पर फ्रीलांस आर्टिस्ट के लिए मुश्किल है। पर क्या है कि ये एक बहुत अच्छा टाइम भी मिला, आपको अपने काम के बारे में साथ बैठने का मौका मिला, अपने बारे में सोचने का मौका मिला, आपने अच्छे काम किए इस टाइम पे, इतने अच्छे लोगों के पास इतने काम इकट्ठे हो गए हैं, जब वो दिखाएंगे तो कितना फ़ायदा होगा, कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसा नहीं है, और आर्टिस्ट क्या है, हम लोग बहुत कंटेंटेड लोग हैं, थोड़ा मिल जाए तो थोड़े में खुश हैं, ज़्यादा मिल जाए ज़्यादा में खुश हैं। तो अगर ऐसा फीलिंग रहे और थोड़ा लालच ना है, लालच मतलब ऐसा ना हो कि यार पैसा इंपॉर्टेंट है, आपका काम भी इम्पॉर्टेंट है, तो कोविड टाइम में मुझे लगता है सब लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छा इन्जॉय किया, अच्छा खाना खाया, अच्छी रिलेशन बनाए। कोई डिप्रेशन वाले लोग मुझे तो दिखाई दिए नहीं अभी तक, मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला अभी तक कि भाई यार बहुत ख़राब हो गया, बहुत कुछ हो गया। वो अब जिसकी जॉब चली गई या कुछ और हो गया, थोड़ा सा मुश्किल होती है, पर आर्टिस्ट तो यार मुश्किल को आसान बनाने में कामयाब है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम्पल या सोशल मीडिया में या कहीं कुछ और न्यूज़ में आपने सुना है जो ये पीरियड में कुछ हटके किया हुआ है आर्टिस्ट ने? मेरे को लगता है सब हटके कर रहे हैं इस पीरियड में, सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरा काम बिकता था, जो काम था उसकी डिमांड, ऐसा तो नहीं कि कल देनी आपको, एक महीने बाद देनी शुरू है। तो जब आपके पास वो टाइम है कि आपकी अर्जेंसी नहीं है, तो आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप नया कुछ काम में रहेंगे। तो ये टाइम जो जो लोग सिंसियरली काम किया, उन लोगों को सबको एक नई भाषा मिली है, एक नया काम करने का तरीका मिला है, एक नई फॉर्म मिली हुई है। मुझे लगता है ये काम के लिए अच्छा है, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे आर्टिस्टों के लिए अच्छा टाइम था। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि प्रभाकर, वेरी नाइस फोटोग्राफ एंड नाइस एडवाइसर, ग्लैड टू सी यू लाइव। Okay, and Aradhana Tandon is saying, nice to hear this. And Prem Kumar Sikarwar saying, sir, aapki nazar mein kalakar ki samajik jimmedari kya hai? Kya aaj kalakar aapko उसको निभा रहे हैं, निभा पा रहे हैं, सॉरी तो आपकी नजर में कलाकार की यू नो सामाजिक यू नो जिम्मेदारी क्या है और क्या वो निभा रहे हैं? मेरे को लगता है कलाकार ही सामाजिक निभा रहे हैं, सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि वो सारी फैमिली का ख्याल रखते हैं, वो खुद इतना अच्छा खाना बना के खिलाते हैं, सबसे मतलब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और ऐसी कोई जो तो सामाजिक जिम्मेदारियाँ मतलब, क्योंकि उनकी ज़रूरतें थोड़ी कम है और लोग, मुझे लगता है वो एक कंटेंटेड लोग हैं, ठीक है यार। तो इस तरह से रिलेशन बहुत अच्छे रहे उनके, सामाजिक दोस्तियाँ अच्छी रही हैं, और आर्टिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है। और आर्ट पूरे नेशन को एक्चुअली वो आई वुड से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम करते हैं, अगर खुश करते हैं, एंड खुशी रहती है, यू नो यू फील पीसफुल एंड यू नो प्लेजेंट एंड यू सी आर्ट। अगर किसी भी तरह का फॉर्म है ऑफ आर्ट है, आइदर वो गाना हो, पेंटिंग हो, पिक्चर हो, पोएट्री हो, वो आपको प्लेजर देती है, वो आपको रिलीफ करती है आपको टेंशन, वो अच्छा लगता ही आपको। नहीं अच्छा लगेगा तो आप क्यों एक दीवार पर मेरी तस्वीर लगाएंगे या क्यों अच्छा गाना सुनेंगे? तो आर्ट ने तो हमेशा सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और आर्ट से हमेशा सुख ही मिला है, अच्छा ही लगता सबको। सुपर। सो यूसुफ भोपाल से, यूसुफ सर बोल रहे हैं नमस्ते, एंड यू नो प्रेम सिंह बोल रहे हैं क्या हाल है विनोद जी, प्रेम सिंह जी कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर, ये फिल्म्स यू नो एक यू नो चीज़ है जो बहुत आपकी फेवरेट है,
तो ये कब शुरू हुई और यू नो क्या क्या स्टंट्स किए हैं आपने फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, पर मेरे बहुत शौक था फिल्म का बचपन से। जैसे हम स्कूल में थे तो बहुत स्कूल बंक करके फिल्म देखते थे। वो एक सैटरडे को उस टाइम पे एक दून शो फ्री होता था, उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे जाके फिल्म देख सकते थे, नहीं तो आपको आपका अलाउ नहीं था। स्कूल से जाके फिल्म देखते थे, फिर बहुत शौक था सा, मतलब सब लोगों से दोस्ती हुई, काम किया, फिर बॉम्बे आए। उसके बाद मैंने दोस्त पर फिल्म बनाई, एक कोशिश की एक फिल्म बनानी चाहिए। मेरा एक कज़न है, उनके साथ मिलकर हमने एक फिल्म फीचर फिल्म प्रोड्यूस की, उसका वाह नाम था धुन धुन द फॉग। वो फिल्म बनाई, फिर एक दो फिल्म में आर्ट डायरेक्शन भी की, पर मैं इतना ज़्यादा कर नहीं पाया क्योंकि वो फिल्म में मुझे पेंटिंग से बहुत शौक था, वही अच्छा लगता था, वही ये था। इसके लिए बहुत बहुत सिंसियरिटी चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत अलग प्रोसेस है। शायद वो हम लोगों के मेरे बस की नहीं थी, हम लोग थोड़े से जल्दी से हार मान जाने में हो सकता है। ये फिल्म वाले लोग इतना स्ट्रगल है, इतनी मेहनत है, इतना अच्छा है, कर ही रहे हैं बढ़िया। तो आपने बहुत सारे ऑटोग्राफ्स दिए होंगे, सो ऐसा कोई हटके ऑटोग्राफ दिया है, किसी ने पूछा आपके फैंस ने कि सर यहाँ पे ऑटोग्राफ दो? नहीं यार, ये हमारे साथ तो नहीं हुआ, एक्टर के साथ होता होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे ऑटोग्राफ कोई क्यों लेकर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। पेंटिंग दे देते हैं, कोई बहुत पसंद आया, चलो यार तुम ले जाओ, ऐसे कर लो, वही ऑटोग्राफ होता। नहीं, बहुत सारे फैंस होंगे सर, बिकॉज आप बहुत कूल हो एंड यू नो आपके फोटोग्राफ्स इसमें दिख रहे हैं, यू नो यू हैंडसम, यू आर कूल, सो बहुत सारे फैंस तो डेफिनेटली बने होंगे दोस्त। हाँ नहीं, दोस्त सब कूल है, सब दोस्त हैं, सब फ्रेंड्स हैं, सबका अच्छा होता है। किसी ने मांगा तो साइन करके दे दिया, कैटलॉग होता है हमारा, कैटलॉग पे साइन करके दे देते हैं। और तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग शो चल रहे हैं और किसी को बहुत अच्छी पेंटिंग लगी, तो उन्हें बोला यार सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो तुम ऐसे ही ले, ऐसे दे देना। तो ये चलता रहता है, तो कि फीलिंग सामने जैसे आप बात कर रहे हो तो आपको महसूस होता है कि आदमी में कितना इंटरेस्ट है, कितनी कोशिश करता है, कितने प्यार से आपका काम लिखता है, तो वह आपको दिल करता है चलो कोई बात नहीं, चलता है, अच्छा लगता है। तो एनी मैसेज यू वांट टू गिव फॉर दी यंग बडिंग आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट? कि भाई इस कोविड से ना घबराओ, ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, आएगा, और अपना ईमानदारी से काम करो और इंजॉय करो, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, फैमिली के साथ रहो, खाओ पियो, सेहत का ख्याल रखो, बाहर ना जाओ, और अपना काम करते रहो। बहुत बढ़िया टाइम आने वाला है और आएगा, घबराने से कुछ नहीं होगा, खुश रहो, हंसते रहो। Super, sir. Thanks a lot for joining us, sir. And I really would like to thank Sneha Arts for giving an opportunity where I could talk and meet and make friendship with artists like you. And thanks a lot for the messages which you have given. जो आपने मैसेज दी हैं नए आर्टिस्ट के लिए और अपकमिंग आर्टिस्ट, ऑल दिस एक्सपीरियंस काउंट, बिकॉज जो आपकी जर्नी है 50 years ऑफ आर्ट, ये बहुत मायने रखती है. सो थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट. एंड फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग एंड ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर शो. डू वॉच ऑल द एपिसोड्स ऑफ स्नेहा आर्ट्स. वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ सम ऑफ दीज एमिनेंट आर्टिस्ट. सर थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, इट्स एन थैंक ऑनर यू वेरी हैविंग मच, यू ऑन द शो. आई रियली एंजॉयड एंड बहुत खुशी है। आई मस्ट थैंक स्नेहा आर्ट कि वो ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक थैंक यू सर, नमस्ते. यू।